यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के कोर्ट परिसर में बम नुमा उपकरण मिलने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं जनपद न्यायालय परिसर में कुछ लोगों ने पेड़ से लटकती हुई एक अजीब सी वस्तु देखी। करीब जाने पर टॉर्च की तरह दिख रही संदिग्ध वस्तु से टिक टिक की आवाज सुनकर लोग दूर हट गए। वहीं देखते ही देखते टाइम बम होने की सूचना पूरे कोर्ट परिसर में फैल गई। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने तत्काल इस संदिग्ध बम की सूचना पुलिस को दी। वहीं आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी भारी फोर्स और स्थानीय बम निरोधक उपकरण के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं टाइम बम की तरह दिखने वाली वस्तु को सुरक्षित तरीके से पेड़ से उतारकर उसकी गहनता से छानबीन की गई तो यह किसी शरारती तत्व की कारस्थानी मिली। दरअसल किसी व्यक्ति ने घड़ी को सेल व अन्य प्लास्टिक के सामान को मिलाकर बम की शक्ल बनाकर पेड़ से टांग दिया था। वहीं फिर भी संदिग्ध वस्तु को पुलिस ने बम डिस्पोजल बास्केट में रखकर सुरक्षित कर लिया है और इसकी जानकारी बम स्क्वाड टीम गोरखपुर को दे दी है। इस मामले में वकीलों का कहना है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा और मुस्तैद होनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाक की खास रिपोर्ट। तो कुछ लोगों ने बताया कि कुछ ऐसा डायग्नोस्टिक जो है ये वस्तु है, हो सकता है रिमोट हो या कोई बात हो, तो बम की आशंका हुई और उस पर तत्काल मैंने सीजीएम साहब से जिला जज से बताया जा करके कि इसकी जो है वो दस्ते बुला करके व्यवस्था कर लिया जाए। फिलहाल कचहरी में सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए जो है डीएम साहब से और एसपी साहब से हम निवेदन करेंगे कि कचहरी में भी जो है इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सूचना हमें दी कि यहाँ पर एक टाइमर टाइप का कोई चीज यहाँ पे दिख रहा है, उस पर तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन वो बम टाइप की चीज नहीं थी, एक घड़ी चल रही थी, उसको हम लोगों ने निकाला और जो भी संबंधित लोग उपकरण है उनको हमने अपने पुलिस लाइन में जैसे बम डिस्पोजल का एक उपकरण रखा है उसको मंगवा लिया, लेकिन ऐसी कोई चीज थी नहीं। फिर भी हम अलर्टनेस के लिए हमने जनरल सर्च यहाँ पे पूरा करा दिया है और हमने बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी इन्फॉर्म कर दिया है गोरखपुर पे, लेकिन ऐसी चीज फिलहाल वो चीज सूचना जरूर थी।